हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 23 मार्च 2018 की प्रीलिम्स एप्टीट्यूड सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू और पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए हमारे डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज की पहली जो न्यूज है वो आई है पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी बिल के बारे में। तो इस बिल में कुछ संशोधन किया गया है, मतलब पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी अमेंडमेंट बिल 2018 है, उसके बारे में इस आर्टिकल में जो पॉइंट है वो हम डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले तो देखते हैं कि पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी बिल है वो है क्या, क्या यह एक्ट था। देखो, पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक 1972 था, उसका भी हमारे से फिलहाल वो यूज किया जा रहा था। इसमें यह प्रावधान था कि भाई हमारे देश में जो भी प्राइवेट पब्लिक और जो पीएसयूज हैं, पब्लिक सेक्टर की जो यूनिट है, सार्वजनिक उपक्रम्स हैं या फिर जो कोई ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट के अंतर्गत, उनके तहत जो भी कर्मचारी आते हैं ना, उनकी ग्रेजुएटी है ना, उसको लेके काफी इनइक्वालिटी थी। तो उसको दूर करने के लिए जो नया बिल है वो लेके आया था 2018 में, और अब इसे लोकसभा से भी पास आउट कर दिया गया। मतलब अब ये एक्ट है वो बन जाएगा, संशोधन इसमें हो जाएगा। राज्यसभा से इसे पहले ही पास कर दिया गया था और लोकसभा से भी ये पास हो गया है। तो इस चीज में ये ध्यान रखनी आपको इस आर्टिकल में कि भाई जो पब्लिक जो एम्प्लॉय होते हैं या प्राइवेट एम्प्लॉय होते हैं या फिर जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होती हैं, मतलब गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो या फिर पीएसयूज के एम्प्लॉय हो या फिर प्राइवेट सेक्टर की हो, ये चीज भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, या फिर कोई ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट हो, उनके जो भी कर्मचारी हैं वो रिटायरमेंट के बाद उनको सोशल सिक्योरिटी है उसको सिक्योर करने के लिए यह बिल है, ये काफी हेल्पफुल है। तो यह मैंने जो पुराना बिल था, इस बिल का ये काम था कि जो रिटायर्ड लोग होते हैं उनको एक्चुअली सोशल सिक्योरिटी हो उसकी सुनिश्चित करना। तो इसमें पहले जो लिमिट थी वो थी 10 लाख की, अब इसमें लिमिट भी है वो 20 लाख तक की लिमिट है वो कर दी गई। तो लिमिट वगैरह तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप ये ध्यान रखना पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी बिल हो किससे रिलेटेड है, इसमें क्या प्रावधान है। इसमें यह प्रावधान है कि भाई जहां भी पब्लिक सेक्टर यूनिट है, जो भी कोई ऐसे इंस्टीट्यूट है जहां पे मिनिमम 10 लोग काम करते हैं, ये ध्यान रखना इसकी कंडीशन है कि जहां पे मिनिमम 10 वर्कर्स होते हैं वहां पे ये बिल अलाउ होता है, और वहां पे जो इनइक्वालिटी होती है उसको दूर करने के लिए, ताकि रिटायरमेंट के बाद उनको सोशल सिक्योरिटी वो सिक्योर की जाए। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया हुआ है ओबीसी सब कैटेगराइजेशन के बारे में, तो इसके बारे में हम चलिए डिस्कशन है वो कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ओबीसी सब कैटेगराइजेशन के बारे में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। इसके बारे में मेनली लास्ट ईयर अगस्त के टाइम में भी काफी न्यूज़ में थी, मतलब पॉपुलर थी। तो यहाँ पे जो एक सबसे अहम न्यूज यूपीएससी पूछ सकती है एग्जाम में वो ये पूछ सकती है, जस्टिस जीएच रोहिणी की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। तो इस कमेटी या इस पैनल के बारे में यूपीएससी पूछ सकती है कि ओबीसी सब कैटेगरी से रिलेटेड जो पैनल है उसका नाम बताइए, या फिर ये पूछ सकते हैं कि जस्टिस जी रोहिणी पैनल किससे रिलेटेड था। तो ये ध्यान रखना कि जस्टिस जी रोहिणी जो पैनल था वो बनाया गया था ओबीसी सब कैटेगराइजेशन के लिए। अब है क्या सारा इशू, वो भी हम एक बार जल्दी से रिवाइज है वो कर लेते हैं। बात देखो ऐसी है कि जो ओबीसी जो अदर बैकवर्ड क्लासेज है इसके अंदर काफी कैटेगरीज आती हैं, तो उन कैटेगरीज में कई बार ऐसा आरोप लगता है कि भाई जो अंदर मतलब ओबीसी के अंदर काफी कैटेगरीज है ना, उनको सभी को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि देखो अभी ओबीसी को जो आरक्षण है वो 27% हमारे देश में, तो आरोप ये लगता है कि ओबीसी के अंदर जो बाकी अंदर भी जो क्लासेज अंदर भी जो कैटेगरीज हैं उनको एक्चुअली आरक्षण का लाभ प्रॉपर ढंग से नहीं मिल पा रहा है, कि ओबीसी में कुछ ऐसी क्लासेज ऐसी कैटेगरीज हैं जो केवल लाभ का जो आरक्षण है उसका पूरा फायदा उठा रही हैं। तो मतलब कुछ जो ऐसी हो जाती हैं जाति वगैरह जिनको लाभ इसका नहीं मिल पा रहा है, तो उनको एक्चुअली आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई इसमें यह प्रावधान किया जाएगा कि ओबीसी की जो कैटेगरी है क्लास है, इस क्लास के अंदर सब कैटेगरी बना दी जाएंगी कि हाँ भाई उनको भी आरक्षण है, 27% में से 2% इनको मिलेगा, 3% ऐसे इसको मिलेगा, इस तरीके से डिवाइड होकर दिया जाएगा। तो उसके लिए पैनल है वो बनाया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट हमारे लिए पॉइंट है वो होता है कि ओबीसी को सब कैटेगरी में बनाने के लिए आरक्षण की सुविधा के लिए था, और जस्टिस जी रोहिणी की अध्यक्षता में पैनल है वो बनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया हुआ है वर्ल्ड वाटर डे के बारे में। देखो वर्ल्ड वाटर डे के बारे में हमने एक्चुअली परसों ही 20 मार्च को हमने डिस्कस भी किया था उसके आर्टिकल में, तो बट वहाँ पे एक न्यूज़ भी थी तो उसमें इतना कुछ था नहीं न्यूज़ में, मतलब क्या वो आर्टिकल था द हिंदू का, तो उसमें एक्चुअली हमने थीम वगैरह डिस्कस नहीं की थी। तो अब यहाँ पे थीम काफ़ी अहम हो जाती है, क्योंकि इस बार देखो वाटर कंजर्वेशन काफ़ी अहम रहा है, काफ़ी सारे आर्टिकल्स भी हमने इसके बारे में डिस्कस किए हैं, और वैसे भी अब दिन प्रतिदिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो यूपीएससी में भी इस बार इस क्वेश्चन से वो पूछ सकती है, तो हम उसके नज़र से आपको डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड वाटर डे वो हर साल 22 मार्च को मेनली मनाया जाता है, तो कल वर्ल्ड वाटर डे वो मनाया गया था। इसका काम क्या है, इसका मेनली मोटो ये रहता है कि भाई पानी को बचाव करना है, पानी का मतलब प्रॉपर जितना यूज चाहिए वो उतना ही यूज करना है, वेस्ट नहीं करना है। इसके साथ ही जो कंजप्शन है पानी का जितनी नीड है उसके अकॉर्डिंग हमें कंजप्शन है वो करना है, और क्लीन वाटर की जो एक्सेस है वो सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, ये गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा सोचा जा रहा है। थीम है इस बार की वो है नेचर फॉर वाटर, तो थीम आपको अच्छे से गांठ बांध लेनी है कि वर्ल्ड वाटर डे था इस बार का 2018 का, उसकी थीम है वो है नेचर फॉर वाटर। अब किसके द्वारा यह वर्ल्ड वाटर डे घोषित किया गया था, किसके द्वारा मनाया गया वो भी हम एक बार थोड़ा देख लेते हैं। देखो वर्ल्ड वाटर डे है वो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, कब हुई थी ये कॉन्फ्रेंस हुई थी 1972 में जब रियो समिट हुआ था, उसके दौरान इसका प्रस्ताव किया गया कि भाई वर्ल्ड वाटर डे वो मनाया जाए। तो उसके बाद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उसने कहा 1993 से कि हाँ भाई
हर साल 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे है वो मनाया जाएगा, तो उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो ये चीज थोड़ी हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि 1992 यूपीएससी पूछ लेगी कि अभी रिसेंटली इसे घोषित किया गया, नहीं रिसेंटली नहीं बनाया। चलो आप ये बताइए कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है और क्या इसे यूएन के द्वारा यह सर्टिफाइड है या नहीं है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वह है नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट स्कीम के बारे में। तो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है उसने नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट स्कीम है इसके लिए कुछ फंड वगैरह वो एलोकेट किया, तो उसके बारे में कंटेक्स्ट है। कंटेक्स्ट कुछ इतना खास है नहीं, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो आती है NEIDS नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम के बारे में, तो इसे हम अच्छे से देख लेते हैं। देखो नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम है, इसका मेन मोटो यह है क्योंकि बार इसको नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट स्कीम से भी आता है नाम और के बार नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम के नाम से। इसका मेन प्रावधान ये कि भाई नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे देश में स्टेट है, सात स्टेट तो है, इसके साथ एक आठ हो जाता है मेनली सिक्किम, तो इन आठों स्टेट का डेवलपमेंट करना है। तो यहाँ पे एक तो यूपीएससी पूछ सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर भाई सिक्किम है नहीं, तो सिक्किम भी इसमें यहाँ पे इंक्लूड है इस वाले में। और काम क्या है उसका, इसका मेन काम है कि नॉर्थ ईस्ट के एरिया में जो एम्प्लॉयमेंट है उसके रोजगार के साधन है उनको बढ़ाना, इसी के साथ ही रोजगार जनरेट करने के साथ साथ जो इनकम जनरेशन है उसको भी आगे लेके आना है। देखो बात ऐसी है कि हमारे देश में नॉर्थ ईस्ट का एरिया है ना उसमें काफ़ी रिसोर्सेज तो कोई कमी नहीं है, बट वहाँ पे जाके डेवलपमेंट नहीं हो पाया क्योंकि एक तो उसका टेरेन काफ़ी डिफिकल्ट है, उसकी कनेक्टिविटी क्या कि हमारे मेनलैंड से है नहीं, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि वहाँ पे अंग्रेजों ने भी फोकस नहीं किया और ना ही फिर आज़ादी के बाद इंडिया ने जो मेन एरिया उसने फोकस नहीं किया, इसकी वजह से वो एरिया थोड़ा पिछड़ा रह गया जबकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्कोप है इंडिया का, बहुत ज़्यादा वहाँ पे बेनिफिट इंडिया को होने वाला है। और अब इंडिया को उसकी वैल्यू पता चल गया कि भाई एक तो चाइना से लड़ने के लिए भी हमारे लिए काफ़ी अहम हो जाता है, इसके साथ ही अगर हमें साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज के साथ रिलेशन इंप्रूव करने हैं तो हमें नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट है वो करना होगा और पूरे देश में भी जो अनइक्वलिटी है उसे भी दूर करना होगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट लगातार स्कीम पे स्कीम लेके आ रही है ताकि नॉर्थ ईस्ट एरिया का किसी भी तरीके से डेवलपमेंट है वो किया जा सके। और इसमें होगा क्या, इस स्कीम में गवर्नमेंट होगा कि थोड़ा तो सब्सिडी वगैरह कुछ पैसे देगी, इसके साथ ही जो टैक्सेस वगैरह है उनमें भी छूट देगी कि नॉर्थ ईस्ट एरिया के अंदर जो भी कोई इंडस्ट्री लगा रहा है उसको अगर 200 करोड़ तक की उसका टर्नओवर का तो उसको कुछ ना कुछ छूट दी जाएगी जीएसटी वगैरह में, इनडायरेक्ट टैक्स वगैरह में, बाकी और भी तक जो टैक्सेस हैं उन सब में गवर्नमेंट उनको कस्टम ड्यूटी वगैरह में टैक्सेस में छूट है वो देने वाली है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब इसी के साथ हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं नॉर्थ ईस्ट का मैप, क्योंकि ये भी देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आप नॉर्थ ईस्ट में देखते हो सबसे पहला स्टेट आता है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद दूसरा आता है यहाँ पे आसाम, तीसरा यहाँ पे देखते हो नागालैंड की जो बाउंड्री है वो यहाँ पे टच होती है म्यांमार के, और यहाँ पे देख सकते हो कि जो अरुणाचल प्रदेश है इसकी बाउंड्री भी यहाँ म्यांमार के टच हो रही है, तो ये भी यूपीएससी की बार पूछ लेती है इस तरीके से। इसके बाद में चौथा स्टेट आता है यहाँ पे वो आता है मणिपुर, मणिपुर की बाउंड्री है वो भी म्यांमार के यहाँ पे टच हो रही है। इसके बाद में आप देखते हैं यहाँ पे नीचे आता है यहाँ पे पाँचवा स्टेट देखें वो आता है मिजोरम, छठा स्टेट आता है यहाँ पे त्रिपुरा, त्रिपुरा की कोई बाउंड्री वो म्यांमार के टच नहीं हो रही है, त्रिपुरा की बाउंड्री है वो ऑलमोस्ट तीन साइड से देखा जाए तो वो बांग्लादेश के टच हो रही है, मतलब पूरा बांग्लादेश के अंदर की तरफ घुसा हुआ है। इसके बाद में यहाँ पे आता है मेघालय, तो ये आपको कहेंगे सात स्टेट में ये हो जाते हैं। इसके अलावा देखा जाए आठवां जो स्टेट इसकी में इंक्लूड है नॉर्थ ईस्ट में वो यहाँ पे है सिक्किम, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कौन कौन से स्टेट इसमें इंक्लूड हैं, काफ़ी अहम हो जाता है। सीक्वेंस भी इनके देखना है, यूपीएससी की बार नॉर्थ टू साउथ इनको अरेंज करवा लेती है, जैसे ध्यान रखना कि सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद में आसाम, फिर नागालैंड है, फिर यहाँ पे मणिपुर आता है, नहीं शिलोंग मेघालय आ जाएगा, फिर मणिपुर आ जाएगा, मणिपुर के बाद में यहाँ पे सब मिजोरम आ जाएगा और फिर त्रिपुरा आ जाएगा। तो सीक्वेंस हमें ध्यान रखनी है कि कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे, क्योंकि एक बार यूपीएससी मेज द फुलंग वगैरह में अरेंज हो करवा लेती है। आजकल यूपीएससी काफ़ी स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन वो पूछने लग गई है, तो ये चीज़ आपको थोड़ी यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब चलते हैं हम आगे डिस्कशन की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल हमारा आता है वो आता है इंडो यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम के बारे में। कंटेक्स्ट क्या है, कंटेक्स्ट बात ऐसी है कि 18वां इसका फाउंडेशन डे है वो मनाया गया है, तो उसका ये कंटेक्स्ट है। कंटेक्स्ट कुछ इतना है नहीं, बस ये ध्यान रख लेना कि अभी नहीं बना रिसेंटली, क्योंकि एक बार यूपीएससी तरह से पूछ ले देखिए कि अभी इसे बनाया गया हाल ही में, नहीं हाल ही में नहीं बना है भाई। बात ऐसी है 2000 में इसे बनाया गया था। क्यों बनाया गया था 2000 के ईयर में, इसे इसलिए बनाया गया था ताकि इंडिया और यूएस के बीच में बायलेटरल जो कोलैबोरेशन है ना उसको आगे बढ़ाया जा सके। कौन से एरियाज में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एरिया में, इंजीनियरिंग के फील्ड में और बायोमेडिकल के एरिया को प्रमोट करने के लिए। मतलब बात सीधी सी यही है कि इंडिया और यूएस के बीच में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल के जो एरिया है उसमें स्टडी वगैरह हो और जो बायलेटरल कोलैबोरेशन है उसको आगे लेके जा सके, प्रमोट किया जा सके। मतलब इंडिया को भी उस चीज़ का फायदा होगा और यूएस को भी फायदा है वो होगा। तो कुल मिला के दोनों कंट्रीज ने यह फॉर्म है वो बनाया था 2000 के ईयर में। और एक इंपॉर्टेंट बात थी कि यह जो टेक्निकल फॉर्म है यह मेरे लिए ऑटोनोमस है, नॉट फॉर प्रॉफिट सोसाइटी एक्ट के तहत यह रजिस्टर है, तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है। और एक छोटा सा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है कि इसका फोर बोर्ड प्रोग्राम है वो चल रहा है, तो ये खैर इतना तो है नहीं इंपॉर्टेंट, बट एक बात बताता हूँ कि फोर बोर्ड प्रोग्राम क्या है। इसका फोर बोर्ड प्रोग्राम ये है कि भाई एक तो साइंटिफिक नेटवर्क है वो क्रिएट करना है,
इसके साथ ही इनोवेशन एंड इंटरप्रेन्योरशिप है उसको लेके आना है, इसके साथ ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बूस्ट करना है, और लास्ट में आ जाता है वो आ जाता है इसका विजिटेशन प्रोग्राम की विजिट करने के लिए कि जगह जगह पे विजिट की जाएंगे और उसके द्वारा प्रोग्राम बना के लोगों को एक्चुअली अवेयरनेस वगैरह और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बूस्ट करना। तो ये इसकी मेनली फोर बोर्ड प्रोग्राम है, थोड़ा सा ध्यान रखना अगर याद हो तो, बाकी इतना कुछ जरूरी है नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि इंडो यूएस जो टेक्नोलॉजी फॉर्म है वो है क्या, एक नॉट फॉर प्रॉफिट सोसाइटी के तहत बना हुआ ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल यहाँ पे आया है वो आया है RUSA के बारे में, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के बारे में। कंटेक्स्ट ये है कि अभी से कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ने इसका जो टाइम है वो एक्सटेंड कर दिया है, तो उसको लेके यह आर्टिकल आया। देखो यह मेनली जो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान था यह आया था 2013 में, क्यों आया था, हमारे देश के जो हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट है ना उनको एक्चुअली फंडिंग प्रोवाइड करने के लिए आया था। मेनली 12th जो 5-year प्लान आया था, 12वीं पंचवर्षीय योजना थी उसके तहत इसका निर्माण है वो किया गया था। तो आपको पता है कि पंचवर्षीय जो प्लान था हमारा 12वां वो एक्चुअली खत्म हो गया था 2017 में, तो ये 2017 में स्कीम खत्म हो जानी थी, बट अभी इससे गवर्नमेंट ने आगे एक्सटेंड कर दिया है 2020 तक अभी थी। क्यों एक्सटेंड किया है, बात ऐसी है कि हमारे देश के अंदर जो हमारे देश के अंदर जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उनकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, इसके साथ उनको फंडिंग वगैरह देने के लिए, क्यों भाई उनको फंडिंग की जरूरत है, बात ऐसी है कि हमारे देश में आपने एक चीज़ नोट की होगी कि देखो प्राइमरी स्कूल में बच्चों का इनरोलमेंट ज़्यादा होता है, इसके बाद में धीरे धीरे जो जो हायर एजुकेशन की तरफ हम बढ़ते हैं कि जब हम सेकेंडरी की तरफ आते हैं तो बच्चों का एडमिशन धीरे धीरे कम होने लग जाता है, कॉलेज में देखते हैं तो बच्चों का एडमिशन और भी कम होता है कंपेयर टू प्राइमरी। मतलब क्या है कि हमारे देश में क्या कि जैसे एग्जाम्पल समझो कि प्राइमरी लेवल पर 100 बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, उसके बाद 10th क्लास पर देखेंगे तो 80 बच्चे पढ़ेंगे, बाकी 20 है वो छोड़ देंगे स्कूलिंग, इसके बाद देखा जाएगा तो सीनियर सेकेंडरी पर देखेंगे तो 60 बच्चे पढ़ रहे हैं, इसके बाद 40 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इस एक आपको बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ऐसा है नहीं एक्चुअली, तो मतलब है क्या कि बच्चे इस तरीके से धीरे धीरे क्या कम पढ़ने लग जाते हैं, तो इसका मतलब हुआ क्या कि हायर एजुकेशन में देखा जाए तो बहुत कम बच्चे हैं ही पढ़ते हैं। तो हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम वो लेके आएगी थी कि भाई हायर एजुकेशन में कम से कम 30% है जो इनरोलमेंट है बच्चों का वो बढ़ा सकें टिल 2030 तक, मतलब 2030 तक हमारे देश में हायर एजुकेशन में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनका इनरोलमेंट 30% तक हमें इंक्रीज है वो करना है, 2030 तक का टारगेट इसमें लिया गया। आपको बताया कि 2030 तक हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं वो आगे रखे गए, तो ये चीज़ अभी फंडिंग किस बेसिस पे देगा, ये जो राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग देगी, ध्यान रखना कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रल इसमें 40% नहीं, सेंट्रल इसमें किसी स्टेट में तो 60% फंडिंग देगी, किसी में 90% और किसी में 40%, तो वो इतना फंडिंग तो आपको रेशियो याद नहीं रखना, बस ये ध्यान रखना है कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड यह स्कीम है हायर एजुकेशन को, हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट है उनको एक्चुअली फंडिंग वगैरह देगी। किस तरीके से फंडिंग देगी, सबसे पहले उन देखा जाएगा कि स्टेट गवर्नमेंट उनकी गवर्नेंस को ठीक करी नहीं करी, मतलब उनके हालात ठीक करें, इसके साथ ही उनकी एकेडमिक जो एरिया उसको भी आगे ठीक सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट आगे लेके, इसके साथ ही उनको देखा जाए तो उनका जो एफिलिएशन है उसको भी आगे लेके आना है, मतलब उनको भी आगे प्रमोट करना है, और इसके साथ देखा जाए तो एक्रीडेशन है उसको भी अगर स्टेट गवर्नमेंट रिफॉर्म लेके, मतलब बात यह है कि स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहिए स्टेट गवर्नमेंट उनको थोड़ा बहुत रिफॉर्म करती है हायर एजुकेशन में स्कूल में, तब भी सेंट्रल गवर्नमेंट उनको फंडिंग है वो देगी। तो ये चीज़ जानना है कि पहले स्टेट गवर्नमेंट को उनका हालत ठीक ठाक करनी होगी, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट उनको फंडिंग है वो प्रोवाइड करेगी स्टेट के थ्रू। तो ये थी आज की हमारी कंप्लीट डिस्कशन, फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है, एक बार देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटीज बिल 2018 के बारे में कि भाई अब इसमें यह प्रावधान किया गया कि जो कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट वगैरह हो या कोई भी ऐसी स्कूल कहीं हो गए हो PSU यूनिट वगैरह जहाँ पे मिनिमम 10 लोग काम करते हैं उनको रिटायरमेंट के बाद सोशल सिक्योरिटी है वो सिक्योर की जाएगी। इसके बाद हमने जस्टिस जी रोहिणी की कमेटी देखी जो कि OBC सब कैटेगराइजेशन से रिलेटेड है। इसके साथ हमने वर्ल्ड वाटर डे के बारे में डिस्कस किया, उसकी थीम हुआ है नेचर फॉर वाटर के बारे में। इसके साथ ही हमने नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट स्कीम के बारे में डिस्कस किया जो इसमें ये प्रावधान किया कि भाई नॉर्थ ईस्ट के एरिया में डेवलपमेंट हो क्या जा सके। अच्छा आप ये बताना कि नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट स्कीम हो कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लेके गई है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला जो था वो था इंडो US साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर्म के बारे में जिसका 18वां फाउंडेशन डे वो मनाया गया था। इसके साथ ही हमने राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान के बारे में डिस्कस किया। तो ये थी हमारी डिस्कशन, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।